हेलो स्टूडेंट्स, यकूब राय जी में आपका स्वागत है। आज हम एक पोयम द रैम्बो इंद्रधनुष के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। यह पोयम आपकी कक्षा सातवीं की पाठ्यक्रम में भी दी गई है। रैम्बो के बारे में जानते हैं। रैम्बो को जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है, सात रंग होते हैं और इसका क्रम निम्नानुसार है। ये रंग है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। ये सात रंग हमें देखने को मिलते हैं इंद्रधनुष में। आइए इन्हीं रंगों को हम अंग्रेजी में जानते हैं। विबग्योर, जी हाँ, एक याद करने का सरल तरीका विबग्योर के माध्यम से हम इसे याद कर सकते हैं। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड, ये सात रंग है। लेट्स स्टार्ट द पोयम। पोयम के पहले में हम सबसे शुरू में कठिन वर्डों को ध्यान में रखते हैं। बोट्स यानी नाव, सेल यानी जल में नाव या जहाज को खेना या चलाना, रिवर्स यानी आप जानते ही होंगे नदियां, और इसके बाद सिप्स, सिप्स यानी जहाज। ये कठिन वर्ड को हमें सबसे शुरू में किसी भी चीज़ को अगर जानना है इंग्लिश में, तो कठिन वर्डों को हमें पहचानना, शॉर्ट आउट करना आना चाहिए। इसके बाद ही हम उसे आगे अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लाउड्स, क्लाउड्स मीन्स बादल जो आसमान में होते हैं। अक्रॉस यानी आर पार, स्काई यानी आकाश, प्रेटियर ज़्यादा सुंदर, और लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पर एफ ए आर फार। फार का अर्थ होता है दूर। इसके बाद हम अपनी पोयम को अच्छे से स्टार्ट करते हैं, इसे एक्सप्लेन करते हैं। आइए हम जानते हैं इस पोयम में कवित्री क्या कहना चाहती है। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, बोट्स यानी जो नावें रहती है वे तैरती है, कहाँ तैरती है, रिवर्स यानी नदियों में। एंड शिप्स सेल ऑन द सीस, और जहाज जो होते हैं वे समुद्र में तैरते हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, बट क्लाउड्स यानी जो, परंतु बादल जो होते हैं जो तैरते हैं, चलते हैं कहाँ, अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स आर पार द स्काई, आकाश के आर पार इधर उधर वो घूमते हैं। आर प्रेटियर फार देन दीस, मतलब वे इन सभी से ज़्यादा खूबसूरत है। इन चार लाइनों में कवित्री यहाँ कह रही है, नावें नदियों में चलती है, जहाज समुद्रों में चलते हैं, परंतु बादल जो आसमान में आर पार या इधर उधर चलते हैं इनसे कहीं अधिक खूबसूरत है। नेचुरल ब्यूटी की यहाँ पर बारे में बताया जा रहा है। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेंजा। यहाँ पर सिर्फ दो ही स्टेंजा दिए गए इस पोएम में, और ये रहा दूसरा स्टेंजा आपकी स्क्रीन पर। इसमें भी हम डिफिकल्ट वर्ड्स फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले यहाँ पर हम ब्रिज, ब्रिज यानी होता है पुल जो नदियों के ऊपर से बनाया जाता है, पुल कहा जाता है अंग्रेजी में, जिसे हम ब्रिज कहते हैं। प्लीज, मुस्कान, आनंद, खुश होना, जिसे हम प्लीज कहते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड इज बॉ, बी ओ डब्ल्यू, बॉ यानी धनुष। यहाँ पर इंद्रधनुष की हम जब बात कर रहे हैं तो बॉ यानी भी हमें जानना होता है कि बी ओ डब्ल्यू यानी धनुष। हेवन मीन्स स्वर्ग, जिसे हम आकाश भी यहाँ पर पोएम में कह सकते हैं। हेवन मीन्स स्वर्ग। एंड ओवरटॉप्स मीन्स ऊंचा, सबसे ऊंचा, उससे ऊंचा को हम ओवरटॉप्स कहते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं पृथ्वी, जिसे अर्थ हम कहते हैं। नाउ स्टार्ट, हम एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखते हैं इन पंक्तियों में, इन स्टेंजा में कवित्री क्या कहना चाह रही है। देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर्स, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, as pretty as you please, मतलब यहाँ जो ब्रिज है, मतलब पुल जो है वो रिवर्स में जो ऊपर से बने हुए हैं, as pretty, वो इतने सुंदर है, pretty यानी सुंदर, as you please, जितना आप खुश होते हो, आनंदित होते हो अपनी खुशियों से, अपने मुस्कान से, यहाँ पर ब्रिज की तुलना की जा रही है। but the bow, लेकिन वह धनुष that bridges, जो पुल बनाता है heaven, मतलब आकाश तक, हेवन तक, जिसका पुल का, पुल रूपी निर्माण होता है। एंड ओवरटॉप्स द ट्रीज, जो ट्रीज से होते हुए, ट्रीज के ऊपर से होते हुए एक पुल बनता है। एंड बिल्ड्स अ रोड, और एक रोड बनती है, जैसे रोड नुमा हमें आकृति हमें दिखती है, जो कि अर्थ से लेके हेवन, मतलब आकाश तक के हमें वो आकृति दिखती है। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई,
अर्थ से लेकर यानी पृथ्वी से लेकर स्काई तक इज प्रिटियर फार देन दीज, वो इन सभी से ज्यादा प्रिटियर है, ज्यादा सुंदर है। तो इन पंक्तियों में कवित्री यहाँ कह रही है, नदियों पर पुल होते हैं जो उतने ही सुंदर है जितना हम प्रसन्न होते हैं, परंतु वह धनुष जो कि वृक्षों के ऊपर से होते हुए स्वर्ग तक पुल बनाता है और पृथ्वी से आसमान तक एक सड़क का निर्माण करता है, वह इन सभी से बहुत सुंदर है और वह है इंद्रधनुष। इस पोयम को लिखा है क्रिस्टिना जॉर्जिना रोसिटी ने। आगे भी हम नई पोयम के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर